एक और अभी सर, हाँ एक और तो बिल्कुल टॉप पे हो जाएंगे आप। सही शुरू करें जी। एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तकलीफ दी इस टाइम के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अब ये अरशद शरीफ का जाना इस मुल्क से, इस दुनिया से, अब ये गैरत की बात है। कोई खड़ा हो या ना हो, कोई डरे या मरे, मैं ज़रूर खड़ा हूँगा। मेरा वो दोस्त भी था, मेरा मेज़बान भी था और मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, और उसकी जो शहादत हुई है वो एक एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपको आज सारी वो तफसीलें बताऊंगा और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। अगर अरशद शरीफ को गोली लग सकती है तो गोली फिर किसी को भी लग सकती है, आपको मुझे भी लग सकती है, लेकिन मौत का तयन अल्लाह ने किया हुआ। नंबर एक, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। नंबर तीन ये किसकी तहकीकात कहां तक पहुंचती है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इंसाफ में तो हमें पता ही है, और बैरून मुल्क जिस जगह पे हादसा हुआ है कीनिया में, वहां के हालात पाकिस्तान या पाकिस्तान से बदतर ही हैं। उसके बाद क्रक्स के अंदर ये कोई गोली, 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8-10-20 गोलियां नहीं लगी, अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती, नंबर एक। उसके बाद जो कहानी रसाई गई वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि एक बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी इसके रिलेटेड, उस गाड़ी को ताकुब किया, उसको रोका, उस पर गोलियां चली, तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस भी खुलेआम गोलियां चलाएंगी अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद था बच्चा? आप टायर पे गोलियां चलाते, गाड़ी फिर भी नहीं रुकती तो आप ड्राइवर को गोली मारते, लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लान्ड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में
उधर उससे दो घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और यह हादसा पेश आए। अब मैं उसकी तफसीलात में आ जाता हूं कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। वो एक ईमानदार, बहादुर, निडर, जबरदस्त इंसान था, शहीद है, तो आज भी हमारे अंदर है। और अगर हमें कोई गैरत है तो हमें उसके बच्चे और फैमिली के साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आप और मैं अपने घर के बच्चों के साथ खड़े होते हैं। इसकी कीमत क्या देनी है वो भाड़ में गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जमीर वो तकलीफ और वो जो वीडियोज और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं और जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए उन लोगों के, मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, दौलत की, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा हैं वो भी तीन घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा, मुझे गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे के अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी और ये साजिश शुरू कहां से हुई है। ये एक साजिश और टोला बनाया गया। अरशद शरीफ ना भागने वाला आदमी है ना मुल्क छोड़ने वाला आदमी था। अरशद शरीफ के ऊपर जो FIR कटी वो कटी, 15 कटी या 16 कटी, लेकिन अरशद शरीफ ना उस मुल्क छोड़ने को तैयार था ना मुल्क छोड़ रहा था। वो भी वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया। और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है, और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। जब वो दुबई पहुंचा तो कहा गया कि किसी एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। मैं उसके शवाहिद भी आपको दूंगा। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं मैं, मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आजम इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। सबको उल्टी पटती में चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था। ना उसको मौत का डर था, ना वो भागने वाला था, ना उसको कोई पैसा खरीद सकता था। लेकिन जो उसको मकासद बताए गए उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे अब फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने माँ बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है।
ये मैं हल्फ पे आपको कह रहा हूं और मैं आपको करके बताऊंगा मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया, कीनिया में उसको किसने छुपाया, कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा, कीनिया में वो क्या करता रहा, इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो इस सियासत को नुकसान देना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशात अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस ने वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई, सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहद मिलेगा, ना कोई सबूत मिलेंगे और ना ही कोई इंसाफ इस मुल्क में, तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाएं आप मार्च के ऊपर। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज, अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। एस्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था, उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी है और गिरेंगी, ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करता कुछ और है। आप ये सब बातें, आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये सब बातें मुझसे मुझे कैसे पता है और क्यों पता है और कहां से मुझे ये बातें आ रही हैं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है, उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फॉरेंसिक के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बगैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है बगैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एक और चीज तक नहीं है, ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए हैं। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की पुरअमन की बात कर रहे हैं जो मुअज्जम ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, अल्लाह का एहसान है मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर इदारों से लेकर महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं हूं या
सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था, अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही एआरवाई के कुछ लोग, अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं हो तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो साजिश है, ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। लेकिन ये वो साजिश नहीं है जो साजिश मैं और आप एस पाकिस्तानी समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। फोरेंसिक क्या बताती है? यहां तो बहुत सारे फोरेंसिक चेंज भी हो जाते हैं, शवाहिद भी चेंज हो जाते हैं, और वहां से तो शवाहिद मिट के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मेजबान है, मेरा उसका घर का ताल्लुक था। कि जिस तकलीफ में जब वो यहां से निकला तो उस टाइम पे भी उसका भरोसा मुझ पे था और मैं उसके लिए उतना ही परेशान था और अपनी मदद और कोशिश कर रहा था, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो रابطے में थे और मैं उस रابطوں के हिस्सों का हिस्सा भी हूं, क्योंकि मैं और बारीक बाकी जगहों पे भी अपनी पार्टी, अपने चेयरमैन, अपने मुल्क और इसकी सियासत के अंदर जो किरदार छोटा मोटा अदा कर सकता हूं वो भी कर रहा हूं, और रात के अंधेरे में नहीं कर रहा। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है, जिनसे मिलता हूं उनको भी पता है, जिनसे बात करता हूं सरेआम करता हूं, किसी के बाप से नहीं मैं डरता। और जो जो ताकतवर शख्सियात इस साजिश का हिस्सा हैं वो मुझसे दूर नहीं है, और मैं सिर्फ जबानी नहीं बताऊंगा, मैं फिर जब बताने पे आऊंगा तो इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का रेवोल्यूशन जो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने मुझे सिखाया है कि हक और सच पे खड़े हो, तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और उन पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और उनमें से हम सब में से भी वो लोग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है, एक ऐसे कियोस तक ले जाना है कि हमें लगे कि काले को हम सफेद देखना शुरू हो जाएं, काला काला है, सफेद सफेद है, पाकिस्तानी कौम काले को सफेद मान गई है। और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और लोगों को पता है, और मेरे सारे तमाम मीडिया के बहुत पुराने दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी वक्त तक दोबारा जानता हूं। मैं अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के बाप से डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका था, ना कभी झुकूंगा। मैं फिर वॉर्न कर रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर चीज पे लब्बैक कहें, बेगुनाह जलील बेवजह मौत ना मरे किसी और के लिए, वो किसी और को भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जो जो अरशद शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से इंशाल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से 95% to 98% बातें सच निकलेंगी आपको आज से आगे। मैं उस मां को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस बेटी को कैसे जवाब दूं, उस बेटे को कैसे जवाब दूं, उस वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था। हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है, वो सगे भाइयों जैसा है, करेंगे उसके लिए, करवाएंगे, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक कमीशन की बात है, यहां कमीशन लेने वाला ही कमीशन होता है, और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं उसमें अगर आपके कोई सवाल आते हैं। ये बताएं फैसल भाई कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे यही तासर मिल रहा है कि आपके पास बहुत से कुछ शवाहिद हैं, नाम आप चूंकि नहीं ले रहे
तो ये बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप जो है बड़े वाज़े तरीके से और जो शवाहिद हैं वो वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं अपने चेयरमैन से जरूर शेयर कर सकता हूं। वो तो की नहीं की अभी तक की, ये जो शवाहिद है सब कुछ चेयरमैन साहब को पता है। मैं MI के से कर सकता हूं, मैं ISI के साथ कर सकता हूं, बाकी मेरा यकीन पाकिस्तान में से बहुत सारे जगहों से उठ गया है, क्योंकि मैं खुद उन चीजों से गुजरा हूं जिधर मुझे बगैर जांच पड़ताल के झूठा भी बोला गया है। मेरे बुजुर्ग बाप की पगड़ी भी छाली गई है, मेरी शादीशुदा बहन के घर में तमाशा भी लगा है, मेरे बच्चे भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वो मनसब और इदारे ऐसे हैं जिन पे मैं उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा ना, जब इंसान की जमीर की बात आ जाए तो फिर भाड़ में गया सब कुछ। सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान। तो आप ये बताइए कि लाशें गिरने की आप इत्तला तो दे रहे हैं, क्या ये इसको लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कैंसिल या थोड़ा कुछ हद तक ये डिले नहीं किया जा सकता लाशें गिरने से रोकने के लिए? देखिए जी, ये तो चेयरमैन साहब का फैसला है और चेयरमैन साहब ही करेंगे। हम तो पुरअमन एहतजाज करने निकल रहे हैं, पुरअमन एहतजाज ही हमारा है। लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, जानी पहचानी और ना जानी पहचानी बहुत सारा खून और लाशें गिरनी है। क्योंकि इमरान खान खुद कहता है कि मैंने उसको मजबूर किया वो मुल्क छोड़ जाए और मुराद सईद उसको इस्लामाबाद से लेकर पेशावर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है, तो क्या आपका चेयरमैन भी मुलव्वज़ है साजिश में? मेरा चेयरमैन एक ईमानदार आदमी है। मेरे चेयरमैन ने वही बात की जो एक आम आदमी किसी की परेशानी और तकलीफ सुन के, अगर मुझे अरशद शरीफ ये कहेगा कि मेरे घर में धावा बोल गया है तो मैं क्या कहूँगा, मैं आ रहा हूँ या तुम निकलो वहां से। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने तो अपनी नेक नियति अरशद शरीफ के केस में दिखाई है जो उनको बताया, लेकिन अरशद शरीफ छोड़ने मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था आखिरी वक्त तक, मुझे पता है। उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहां तुम्हारा सा कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और ये कोई पागल ही होगा जो आज की तारीख में मौजूदा सेटअप में ये काम करेगा। इसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे, मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दे, अगर आज आप बात करते हैं करंट स्टैब्लिशमेंट की, तो करंट स्टैब्लिशमेंट तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ होगी कि वो ये काम करे। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है, उस बेनिफिट के लिए उसका एतबार जीता गया। अरशद शरीफ उस उन लोगों पे एतबार करता रहा, मैं बोलता रहा उसे, उस एतबार में उसको हटाया गया, भगाया गया यहां से। भगाने के बाद कहानी रची गई, कहानी रचने के बाद दुबई से उसको निकाला नहीं गया, दुबई में उसका वीजा कैंसिल हुआ, उसको उन लोगों ने, साजिशियों ने उसको कीनिया की डायरेक्शन दी, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम आदमी कीनिया में उस फार्म हाउस तक की रसाई नहीं रख सकता। ये वही रख सकता है जिसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर समझ बूझ हो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने पहले कहा कि सियासी लोग इसमें मुलव्वस नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साथ ही अभी आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस नहीं है, और साथ ही एक ही सांस में आप कहते हैं आपको किसी से डर भी नहीं है। आप नाम बता क्यों नहीं देते कौन मुलव्वस है, उनके नाम बताएं। लोग आप साथ कह रहे हैं कि डरते भी नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे, उनको भी तो खौफ, अगर नाम बताएं लोगों को। मेरी बात सुने, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसका बड़ा कंसिस्टेंसी से जवाब देता हूं। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूंगा, दिनों में लूंगा। ये तो सिर्फ मैं अभी एक वार्निंग शॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान मेरे नाम लेने से आज भी मारे जा सकते हैं। किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं, पता नहीं बता रहे हैं किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं। मैं किसी की मौत को बचा रहा हूं, इसको इस तरह ले। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कुछ ऐसे आस्तीन के साहब जिन्होंने उनके नैरेटिव को जो उनके ज़हन साजी की अरशद शरीफ की,
وہ آستین کے سامنے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تو بتائیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کی کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی ایک منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے، میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی سر، بات کی جو بات کی، دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا، ساری دنیا یہی مان رہی ہے، سب گرب میں ہیں. آپ کی سٹریس کانفرنس کے بعد اس گرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا وہ اس کو لے کے گئے، انہوں نے سازش کیا، آپ نے اشارہ دیا، کل ان کا جنازہ ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے، ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں، وہ ساری باتیں میں اس نظام دیکھیں لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے، لیکن خوف تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں، میں نہیں کر سکتا. نمبر ایک دیکھیں جی آپ نے مجھے بڑی باتیں سنا دی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا آج شاید چرچا بھی ہو جائے گا، لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جس نے مجھے نااہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ کورٹ آف لا نہیں ہے 62F کے تحت، یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، جو سپریم کورٹ کا آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جس وقت چھان بین ہوگی اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھان بین کے بعد، تو پھر جیسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کو تو میں آپ کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں، دیکھیں آپ ارشد شریف تک رہیں، میری آزم سواتی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں. آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں، یہ اشارہ بتا دیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں یا کسی جماعت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ارشد شریف تک رکھوں گا، ارشد شریف پہ فوکس رکھوں گا. ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، ارشد شریف کی سازش ہوئی ہے، ارشد شریف کو استعمال کیا گیا ہے، ارشد شریف کے شواہد گم ہو چکے ہیں. لانگ مارچ پرامن میرے خان چیئرمین کی کال ہے، اس پرامن لانگ مارچ کی کال کے اندر
उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस अर्शद से ही करेगा। ये आप उनसे पूछे, मैं अगर एक एक आप मुझसे लड़की, आप मुझसे लड़की उन्हें भाई आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिनके नाम नहीं लेना चाहते, जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है? तहरीके इंसाफ से के अलावा भी। मैं आज ही आया हूँ कल जनाजे के लिए। बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अवहाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी, क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत जो आप ये दावा? अगर 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 मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा, ये कानून है। फैसल साहब ये बात भैया बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है, ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है आपको? ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी, ठीक है। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है, और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। मैं देखे, मैंने तो आपको, मैंने मुझे एक बात बताया, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीजा देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे, ठीक है। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था, जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पर खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पर चलाएगी, ड्राइवर पर चलाएगी, सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है, इसका मतलब ये कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। ही वॉज मर्डर्ड, प्लान्ड मर्डर उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज या क्लोज रेंज है, इतने करीब से गाड़ी के अंदर से। जाहिर सी बात है, ये कैसा सवाल है? इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस सारी साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ, मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई, आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ ये जुल्म और बर्बरी थी, और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जा रही है।
खान साहब आपकी आवाज और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर ले, एक मेरी जान पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। वो देखिए आप लोग देखिए मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते हैं, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं ना मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं और आप सब अरशद शरीफ के लिए खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है भाई। ये क्यों बता रहा हूँ मैं पाकिस्तानी कौम को, आपको क्यों बता रहा हूँ? आप उसको कोई भी रंग दे दे, मैं तो जवाब नहीं देता। देखिये मेरी बात सुने, उनकी वालदा मेरी वालदा की तरह है। मेरी मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है और उस पर भी मुझ पर पेनल्टी लगी थी इलेक्शन कमीशन से कि मैंने झूठा बयान दिया है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और उसी टाइम पे उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। अरशद शरीफ की माँ जिस कर्व से गुजरी उस कर्व से मैं और आप नहीं गुजरे, ठीक है। लेकिन पूरी कौम तसल्ली में ये बैठी हुई है कि ये जो हुआ है एक क्रॉस फायरिंग के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। अगर मुझे नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ सोच रहा हूँ, बहुत जबरदस्त आपका सवाल है। देखें जो बेनिफिशरी है ना उन्हीं को मैंने एड्रेस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो बहुत सर मेरी बात सुन, हर चीज तो हर चीज देखिए मेरी बात सुन, अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता है। लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे रابطے में था, अब बुरे वक्त में रابطے में था, इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे बहुत अच्छे और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं। लेकिन मैं दोस्त था, जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते। हुकूमत से तो है, जिस सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता तो ये आपकी सोच है मेरी नहीं। सर अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ।
अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आने जाने वाला वक्त ही बताएगा। यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, पुलिस को यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें। कातिल कौन है, इसके साजिश कौन है, पुलिस को कोई बता दिया, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, पुलिस को बताया।